आ ये सुनीता तो बड़ी चालू निकली, अज्जू भाई को भी धोखा दे दिया, और ये डीजे कहाँ चला गया? ओ भाई साहब कितना काम था। और ताऊ क्या हाल है तेरे, ये शकल में 12 क्यों बजाया तूने? आज ये बेटा गजब हो गया, धरती फट गई, आसमान टूट गया। अरे ताऊ इतना ओवर रिएक्टिंग क्यों कर रहा है, हुआ क्या है ये तो बता साफ साफ। आज ये बेटा सुनीता जो है ना, उसने अज्जू भाई को भी धोखा दे दिया, और अब अनग्रेजुएट क्या नाम है उसका, आयुष, आयुष पड़ गई। तुझे कितना चाहने लगे हम। अरे भैया अगर ये सुनीता अज्जू भाई की गर्लफ्रेंड नहीं है, ज्ञान भाई की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये है किसके गर्लफ्रेंड? मुंबई की ना दिल्ली वालों की, सुनीता है पैसे वालों की। तो देख लांडो, तो हुआ क्या, मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं इस दुनियादारी सोशल मीडिया मोह माया लौंडियाबाजी सबसे दूर चला गया था, लेकिन एक दिन मेरे एग्जाम खत्म हो जाते हैं और मैं अचानक एक्टिव हो जाता हूँ। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। लेकिन जैसे ही मैं एक्टिव होता हूँ, मुझे क्या देखने को मिलता है? मीट अप विद सुनीता फैमिली फॉर मैरिज। ये अंकल ने हाथ में खंजर क्यों पकड़ा है? 1978 में। और भाई तू शादी के रिश्ते की बात करने आया है या फिर इंटरव्यू देने है? कसम से बोल रहा हूँ इसकी इतनी खतरनाक कानफटी पड़ी है कि अगर अंकल इसको कुछ बोल भी देना तो ये यहीं पर को हग दे। बात तो सही है। लेकिन एक मिनट रुको जरा, अच्छू भाई भी तो शायद वेटिंग लिस्ट में थे। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि सुनीता जी के घर से कोई उनके मम्मी पापा फोन करके बोले कि दामाद जी कैसे हो, बस इतना। अरे यार अज्जू भाई कहाँ तुम फोन कॉल के इंतजार में रह गए, कहाँ कोई और आके दही और मलाई दोनों खा के चले गया। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एंड ऑफ अज्जू भाई प्रपोज सुनीता फॉर मैरिज। लाल दिल आयुष भैया, आप लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो या दंगल लड़ने? इतने लौंडा कॉल ले जाता भैया? मुझे लग रहा है आयुष प्लान करके आया है, अगर सुनीता ने हाँ बोला तो लौंडे बारात लेके जाएंगे, लेकिन अगर सुनीता ने ना बोला तो यही लौंडे उसको किडनैप करके ले जाएंगे। फूले गुलाब का चमेली ना समझना, फूल है गुलाब का चमेली ना समझना, दिल है आयुष का अज्जू भाई का ना समझना। लॉन्डो मैं बता रहा हूँ, अज्जू और ज्ञान दोनों मिलके आयुष को पेलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा भैया। अब आता है मेन पॉइंट में, आखिर सुनीता है किसकी, कौन है इसका बॉयफ्रेंड, कभी इसको अज्जू भाई प्रपोज कर रहे? मैं तमिलाई घेरे मैया गच्छू। देखो सही, अब तो रिश्ता कंफर्म है गाइस। कभी इसे ज्ञान भाई प्रपोज कर रहे? अरे सुनिए गाइए ना, हम समझ जाएंगे। अरे मुझको तो एक ही आते मोती ले माया गच्छू, बस मुझे तो ये आती है। और आयुष, आयुष तो इसके घर ही पहुंच गया रिश्ता लेके। दिल है आयुष का अज्जू भाई का ना। इसका बॉयफ्रेंड जो भी हो, सबसे बुरा जो भाई के साथ हुआ है, उन्होंने तो बच्चों के नाम तक डिसाइड कर दिए थे। मैंने तो बहुत आगे तक सोचा है, नुबड़ा नुबड़ी नाम रखेगा, वहाँ तक सोच लिया। पता है सुनीता जी, लड़का होगा तो नुबड़ा, लड़की होगी तो नुबड़ी। कोई बात नहीं, अज्जू भाई बेचारे नुबड़ा नुबड़ी इस दुनिया में आने से पहले ही चल दिए, शायद राइस टावर ने हेडशॉट मार दिया उनको। अब ये क्या लिखा है, एंड ऑफ सुनीता, टू गर्ल्स प्रपोज्ड, यूजी आयुष। अरे भैया चल क्या रहा है, सबका ये खात्मा ही क्यों करने में लगा, कभी एंड ऑफ अज्जू भाई लिख दे रहे, कभी एंड ऑफ सुनीता लिख दे रहे, आखिर चल क्या रहा है? और मैं तुमसे हमेशा बोलता आ रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा, जो ये लड़कियां होती है इनसे हमेशा 100 मीटर की दूरी बनाए रखना, लड़कियों के पीछे कभी भागना मत, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो जाए लड़कियों के पीछे भागना नहीं है। आज ये बेटे वो एंजल पीडिया का रिप्लाई आर्क है, पार्क में बुला दिए तेरे को। सच बोल रहा है क्या ताऊ तू? आज ये बेटे मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो जो ये चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे डालो, जो ये बेल आइकन इसको प्रेस करके ऑल पे डाल देना। तो यार मिलते हैं अगले एपिसोड पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टाटा बाय बाय।